छिंदवाड़ा जिला के चौरई में वरिष्ठ पत्रकार ललित देहरिया पर अज्ञात लोगों ने प्राण घातक हमला किया है, जिससे पत्रकार ललित देहरिया को सिर में गंभीर चोटें आई है एवं हाथ फ्रैक्चर बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पत्रकार साथियों ने ललित देहरिया को जिला अस्पताल ले गए और इलाज अभी चालू है, जिसे देखने छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी शाहू गाड़ी चलाते हुए अस्पताल पहुंचे और घायल पत्रकार को देखा। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री भी अस्पताल पहुंचे। सांसद ने पुलिस विभाग को जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ने का निर्देश दिया है। पत्रकार पर हमला होने की घटना की जानकारी लगते ही जिले के सभी पत्रकार चौरई कम्युनिटी हॉल में एकत्रित हुए और थाना परिसर में पहुंचकर पुलिस एसडीओपी सौरभ तिवारी और एसडीएम प्रभात मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पत्रकार पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यदि कार्रवाई में लेट लतीफी होती है तो थाना परिसर में धरना दिया जाएगा। इधर हिंदू संगठन ने भी पत्रकार पर हमला होना निंदनीय कहा है और अनुविभागीय अधिकारी से मिलकर मांग की है कि हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी पत्रकारों ने सरकार से मांग की है कि मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। सारे पत्रकार चौरे में एकत्र हुए क्योंकि हमारे एक पत्रकार साथी है ललित डहरिया जी, उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने अपना नकाब उसके माध्यम से एक जानलेवा हमला किया है। उसको लेकर पूरे छिंदवाड़ा जिला के पत्रकार, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा पत्रकार भाई है, उसको लेकर हम सारे पत्रकार आज एसडीओपी कार्यालय एसडीएम साहब से मिले और ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं कि तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो। अगर कार्रवाई नहीं होती, हम 2-3 दिन का समय शासन प्रशासन को दे रहे हैं, अगर नहीं होती कार्रवाई तो सारे पत्रकार थाना परिसर में बैठ जाएंगे, उसमें कोई संगठन नहीं देखा जाएगा, बस हम ये देखेंगे कि वो हमारा पत्रकार भाई है, बस ये हमारा उद्देश्य। क्या है मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं। आज कल जैसा आपको पता है कि वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित डहरिया के ऊपर हमला हुआ है, जिसको लेकर जिले के सारे पत्रकार आक्रोशित हैं। उसी संदर्भ में ज्ञापन दिया है कि सुरक्षा बनाई जाए, दूसरा विभिन्न जो आपराधिक गतिविधियाँ उन पर रोक भी लगाई जाए। चौरई शहर के सीसी कैमरे कुछ जगह के बंद हैं, उनको चालू किया जाए और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। इसको लेकर के सभी पत्रकार बंधुओं ने हमको ज्ञापन दिया है और उन पर हम जो हमारे स्तर की कार्रवाई हम उसको शीघ्र करेंगे और जो शासन स्तर का वो शासन को अवगत कराएंगे। एनबीसी न्यूज के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।